नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह है हमारी क्लास नंबर 56 है, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर फर्स्ट में हम टीथ के डेवलपमेंट तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कंपेरिजन किसका, डेंटेशन का, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। उसके अलावा कुछ डेंटल फॉर्मूला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है, यानी कि रिमेनिंग पार्ट, वो भी हम सेकेंड पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। अब आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक आम व्यक्ति के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। आपने सुना होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। अब देखिए, अब इस कहावत को अगर आदि मानव के ऊपर लेके जाएं, या फिर आपने एक कार्टून देखा होगा टारजन, या फिर मोगली आपने सुना होगा, है ना। सो उनसे अगर थोड़ा सा रिलेट करें, आप उनसे पूछें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो आपसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन जरूरी है ना। दूसरे नंबर पे पानी जरूरी है, तीसरे नंबर पे खाना जरूरी है। क्लियर? यानी कि ये तीन नेसेसरी चीजें हैं। ऑक्सीजन नहीं मिली तो फिर मतलब सारा कुछ खत्म है। अब ऑक्सीजन कौन से सिस्टम के जरिए जाती है, सभी को पता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा बच गया पानी और खाना, ये कौन से सिस्टम के थ्रू जाता है अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? सो डाइजेस्टिव सिस्टम बोल लीजिए, या फिर सबसे पहले जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक में। क्लियर? बात तो वही है। सो आप ये कह सकते हैं, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड आर नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, कह सकते हैं ऐसा। चलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है bit.ly/ZOOLOGYREZ, आर बड़ा और बाकी सारे लेटर छोटे। जस्ट क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, माइसेल्फ धीरज शर्मा एंड आई एम टीचिंग सिंस मई 2017 एंड दिस इज जूलॉजी ऑप्शनल कोर्स एंड आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दिस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, है ना। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सभी को पता होगा कि होता क्या है। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि इसके अंदर होता क्या क्या है, है ना। सो इट इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेसन के अंदर, और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके कुछ पार्ट यहां पे डिस्कस करेंगे और कुछ पार्ट पार्ट नंबर सेकेंड में डिस्कस करेंगे। ओके सो फ्रेंड, अब एलिमेंट्री कैनाल को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, किस नाम से, गट। अब गट के अंदर बहुत सारे रीजन होते हैं, है ना। कौन कौन से वो रीजन होते हैं, उनके नाम क्या क्या है और उनके अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हैं। सो गट के मेनली कितने रीजन होंगे, कितनी जोन होगी, 4। क्लियर? यानी कि 4 जोन होंगी। अब 4 जोन का नाम क्या क्या होगा, पहला होगा अपने पास, पहला कौन सा होगा, इनग्रेसिव, INGRESSIV, इनग्रेसिव। दूसरा कौन सा होगा भी, प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE। तीसरा कौन सा होगा, अब जब प्रोग्रेस हो गई तो नीचे की तरफ भी आएगा, है ना, यानी कि डीग्रेसिव, DEGRESSIVE। अब तीनों हो गए तो उसके बाद क्या होगा, और यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, इसका इस जोन का नाम क्या होगा, ईग्रेसिव। क्लियर? EGRESSIVE। ओके सो चारों के चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कौन से के अंदर कौन सा पार्ट होगा। ओके सो फ्रेंड, पहला अपने पास आ गया इनग्रेसिव, जिसमें माउथ, लिप और जॉ किसके लिए काम आएंगे, फॉर कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग द फूड। क्लियर? उसके बाद प्रोग्रेसिव में
ओरल कैविटी, फेरिंग्स और ऑइसोफेगस। अब इनका मेन पर्पस क्या है? थोड़ा बहुत यहां पे फूड का डाइजेशन होगा और फूड आगे पास हो जाएगा। क्लियर? फूड पासेस विद ए लिटिल डाइजेशन यू कैन से। क्लियर? उसके बाद आता है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर, यानी कि डिग्रेसिव जोन का। यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स? जो पूरी की पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो यहां पे होगी। क्लियर? अब जो फोर्थ जोन है उसमें क्या होगा फिर, जब डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट ही हो चुकी है फ्रेंड्स? इग्रेसिव जोन के अंदर क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहां पे रुकेगा बिफोर एक्सपल्शन, और जो एक्सेस वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन भी कहां पे होगा, इग्रेसिव जोन में। क्लियर? तो चारों का डिफरेंस आपको पता लग गया, इनग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव और इग्रेसिव। क्लियर? सारे के सारे जो पार्ट हैं वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे, यानी कि वन बाय वन करके पढ़ेंगे। यहां पे जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसमें हम माउथ पढ़ेंगे, ओरल कैविटी पढ़ेंगे, और जो फेरिंक्स से आगे का पार्ट है वो हम पार्ट नंबर सेकेंड में पढ़ेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? वन बाय वन डिस्कस करें उससे पहले जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके कुछ बेसिक्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद माउथ से शुरू करेंगे। ओके? और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हिंड गट है, मिड गट है, फो गट है, है ना? और उसके अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। यहाँ पे तो हमने सिर्फ नेमिंग करके बता दिया कि इसका ये जोन है, इसका ये जोन है। आपको डायग्राम के जरिए भी मैं समझाऊंगा अभी। ओके? तो चलिए देखते हैं। सो अब हमारे पास आता है एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक। फ्रेंड्स, एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हाइलाइटेड टर्म्स हैं उनका मीनिंग जानेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनसे पहले हम जो ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है उनकी लेबलिंग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। और ये जो डायग्राम है ये किसका है? एलिमेंट्री कैनाल का, और उसके कुछ जो चीफ डेरिवेटिव्स हैं उसका। सो देखिए, ओरल कैविटी है, माउथ है, थायराइड ग्लैंड है, गिल स्लिट, ट्रेकिया, लंग्स, गॉल ब्लैडर, स्टमक, लीवर, यॉर्क सैक, यूरिनरी ब्लैडर, क्लोएका, एनस, यूरिनोजेनिटल डक्ट, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ड्यूडोनम, विसरल पाउच, ऑइसोफेगस, फेरिंग्स, एचियन ट्यूब और एंटीरियर लोब ऑफ हाइपोफाइसिस। ये सारे कुछ एलिमेंट्री कैनाल और उसके कुछ चीफ डेरिवेटिव है। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है, अगर आपसे कुछ एक की पॉइंट लिखने को बोला जाए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सो आप क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो सबसे पहले जिसकी फॉर्मेशन होती है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो यू कैन से द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वन ऑफ द अर्लीएस्ट टू फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि लोअर वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, है ना? ये पॉइंट पता होना चाहिए। यहां तक हम जो कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट करके आ गए हैं और अभी कंपेरेटिव एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको पता होगा। अब यहां पे दो हाइलाइटेड टर्म है, कौन कौन सी? स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम। इनमें क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा, वही इनकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। क्लियर? सो स्टोमोडियम के बारे में पहले बता देता हूं, और उसके बाद ये जो दो पॉइंट यहां पे दिए हुए हैं कि ये किस तरीके से आगे जाके इसकी मॉडिफिकेशन होगी, ये किस में चेंज होगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो हेड है, मतलब जो एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन होती है किसकी? हेड की। वो किसकी फॉर्मेशन करता है? स्टोमोडियम की। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोक्टोडियम है उसको आप क्या बोलेंगे? सिमिलरली जो मिड वेंट्रल एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन जो होती है वो किसकी फॉर्मेशन करेगी? प्रोक्टोडियम की। क्लियर? समझ में आया डिफरेंस? एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन ऑफ हेड दैट फॉर्म्स द स्टोमोडियम। क्लियर? एंड सिमिलर
मिड वेंट्रल एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन दैट फॉर्म्स द प्रोक्टोडियम। ओके, अब जो स्टोमोडियम है वो आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगा, ओरल कैविटी कह लीजिए चाहे बकल कैविटी कह लीजिए। सो द स्टोमोडियम बिकेम्स द अडल्ट बकल कैविटी एंड गिव राइज टू टीथ एनामल एपिथेलियल कवरिंग ऑफ द टंग एंड ग्लैंड्स एंड रेथेक पाउच। ये जो रेथेक पाउच है ये क्या है, रेथेक पाउच ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक छोटे से टर्म से जुड़ा हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे, पहले प्रोक्टोडियम का पॉइंट डिस्कस कर लें। फ्रेंड्स द प्रोक्टोडियम फॉर्म इधर ए स्मॉल टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्लोइका इन लोअर वर्टिब्रेट्स एंड रेक्टम इन मैमल्स। अब जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, रेथेक पाउच क्या होता है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो जैसे फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, रेपिटाइल्स हो गए, है ना, ये सारी हैं। उसके अलावा जो क्या टर्म थी, रेथेक पाउच ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड जब हम पढ़ रहे थे, क्लियर। सो उसी से थोड़ा सा रिलेट करते हैं, द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए यहाँ पे ये जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसी टर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड करके बोल सकते हैं, द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप्स एज ए डोर्सल इवेजिनेशन क्लियर ऑफ स्टोमोडियम। क्लियर, क्या टर्म निकल के आई, द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप एज ए डोर्सल इवेजिनेशन ऑफ स्टोमोडियम, दैट्स कॉल्ड द रेथेक पाउच। क्लियर, रेथेक पाउच इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको स्टोमोडियम से रिलेट करना है। क्लियर, अब ये जो थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको कहां पे, जब हम एडिनो हाइपोफाइसिस पढ़ेंगे पार्ट नंबर सेकंड में, उस समय फिर से बताऊंगा कि रेथेक पाउच एक्चुअली है क्या, है ना, थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। यहां पर थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया मैंने इसके बारे में दे दिया है, क्योंकि ये जो टर्म है ना स्टोमोडियम ये यहाँ पे आ गई थी, तो दोनों का जो कंसेप्ट है वो रिलेट करके हम यहाँ पे बड़ी इजीली समझ पाए और बड़ी आसानी से आप इसको याद भी रख पाएंगे। क्लियर, अब देखिए जो मिड गट है, मिड गट की आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, है ना, अगर आपसे सीधा सीधा यूपीएससी पूछ ले कि मिड गट क्या होता है भाई, है ना, गट के आप चार जोन जो है वो पढ़ के आ गए हैं, है ना, कौन कौन से वो चार जोन थे पिछली वाली स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया जस्ट 7 से 8 मिनट पहले, है ना। सो मिड गट की डेफिनेशन क्या होगी फ्रेंड्स, ये जो योग सैग आप यहां पे देख रहे हैं इससे थोड़ा सा रिलेट करते हैं और पूरा का पूरा इसी से रिलेट होगा। सो इट्स पार्ट कंटेनिंग योक और कनेक्टेड बाय ए नैरो स्टाक विद योक सैक इज कॉल्ड द मिडगट, है ना। अब जो मिडगट है उसका एंटीरियर पार्ट क्या होगा और पोस्टीरियर पार्ट क्या होगा, एंटीरियर पार्ट तो हो जाएगा क्या क्या होगा भाई, फोरगट, है ना, बिल्कुल सही है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, हिंडगट। ओके, अब इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको बतानी है, मिडगट का तो मैंने थोड़ा सा बता दिया योग सैक से रिलेट करके, अब जो फोरगट है और हिंडगट है उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। देखिए जो फोरगट है वो किस किस में डिफरेंशिएट हो जाती है, ओरल कैविटी में, फेरिंग्स में, इसोफेगस में, या फिर ओइसोफेगस भी बोल देते हैं ना, और स्टमक में, एंड मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द अडल्ट, क्लियर। और जो हिंड गट है दैट फॉर्म्स द लार्ज इंटेस्टाइन एंड क्लोएका, इज दैट क्लियर। एंड फ्रेंड्स ओनली द लाइनिंग ऑफ दीज ऑर्गन्स आर एंडोडर्मल वाइल कनेक्टिव टिश्यू and muscles in their wall are derived from the mesoderm. अब देखिए
इसकी जो हिस्टोलॉजी है ना, मतलब किसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर कितनी लेयरिंग है, किस लेयर को हम क्या बोलेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जस्ट ये पार्ट खत्म होते हैं, क्लियर। सो यहाँ पे एक तो कंसेप्ट और निकल के आते हैं, उससे पहले जो ये ग्लैंड्स है, तो ये ग्लैंड्स मेनली कौन कौन सी होगी, जैसे कि म्यूकस ग्लैंड हो गई है ना, पॉइजन ग्लैंड हो गई, स्लाइवरी ग्लैंड हो गई, ये सारी चीजें, मतलब ये सारी की सारी जो ग्लैंड्स है वो यहाँ पे आप अगर मेंशन करना चाहें एज ए एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दो टर्म और पूछी जा सकती है एग्जाम में किसी भी तरीके से। कौन कौन सी है वो दो टर्म, मेजेंट्री से रिलेटेड है, एक तो डोसल मेजेंट्री और दूसरी वेंट्रल मेजेंट्री, लिख लीजिए DORSAL, डोसल मेजेंट्री, MESENTERY, और दूसरी कौन सी थी, वेंट्रल, क्लियर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, आप सभी को पता है कि डोसल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है ना। सो फ्रेंड, एज यू नो द एलिमेंट्री कैनाल इन एम्ब्रियोज फ्रॉम स्टमक टू क्लोइका इज अटैच टू द डोसल बॉडी वॉल बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, उसी को हम क्या बोलेंगे, डोसल मेसेंट्री, क्लियर। अब ये तो हो गया डोसल बॉडी वॉल, अगर इसी को हम चेंज कर दें वेंट्रल बॉडी वॉल, दैट्स कॉल्ड द वेंट्रल मेसेंट्री। डिफरेंस समझ में आ गया है ना। सो फ्रेंड, अगर अडल्ट में बात करें, इन अडल्ट डोसल मेसेंट्री परसिस्ट बट द वेंट्रल मेसेंट्री डिसअपियर्स लिविंग ओनली इन द रीजन ऑफ लीवर एंड यूरिनरी ब्लैडर। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या था और एडल्ट स्टेज में क्या चेंजेस आए, वो भी यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। सारी चीजें क्लियर हैं डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड। अब जो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके कुछ पार्ट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी हिस्टोलॉजी है ना, और उसमें मेनली कितनी लेयर्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करूं, कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स, क्लियर। सो चलिए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। और एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर आगे चल के 3 पार्ट हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, क्लियर। तो चलिए देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो फ्रेंड, एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से बना हुआ है ना। और एनिवेल्ट्री कैनाल के अंदर हमने एक कंसेप्ट और भी पढ़ा था कि यहाँ पे कितने जोन होते हैं, तो वो भी 4 थे, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। और कितने लेयर हैं, 4 लेयर हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। एक कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, ओके। सो उसको अभी लिख लीजिए, फिर मैं आगे चल के उसको थोड़ा सा रिलेट करूंगा। कंसेप्ट का नाम है माइंट्रिक प्लेक्सस, MYENTERICPLEXUS, क्लियर। देखिए, जो आउटर मोस्ट विसरल पेरिटोनियम है, या फिर कह सकते हैं सीरस कॉर्ड, वो किसका बना हुआ था, इट इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियल सेल्स एंड थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। उसके नीचे कौन सी लेयर होती है, मस्कुलर लेयर दैट फॉर्मड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर अरेंज्ड इन आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स, क्लियर। अब ये जो दोनों लेयर हैं इसके बीच में भी कुछ होता है ना। देर इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइंट्रिक प्लेक्सस, क्लियर। सो अब जो माइंट्रिक प्लेक्सस है इसका दूसरा नाम भी है प्लेक्सस ऑफ एरोबैक, क्लियर, लिख लीजिए AUERBACH, PLEXUS, प्लेक्सस ऑफ एरोबैक, क्लियर। समझ में आया ये एक्चुअली है क्या,
बिटवीन द टू लेयर ऑफ मसल इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड नर्व फाइबर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट्स कॉल्ड द मेंट्रिक प्लेक्सस। समझ में आ गया ना? चलिए फ्रेंड्स, बेंथ द मसल लेयर इज ए सब म्यूकोजा मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैविंग इलास्टिक फाइबर, फैट, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, नर्व सेल्स एंड फाइबर ग्लैंड्स। क्लियर? ये तीसरी वाली हो गई। उसके अलावा जो इनर मोस्ट लेयर है इज ए म्यूकोजा। क्लियर? ये सब म्यूकोजा, ये म्यूकोजा। क्लियर? अब जो लेयर्स हैं उनके भी आपको नाम याद रखने हैं। ये तो हो गया विसरल पेरिटोनियम, दूसरा मस्कुलर लेयर, थर्ड वन सब म्यूकोजा और फोर्थ वन म्यूकोजा, दैट कंपोज्ड ऑफ थ्री रीजन। यहां पे भी तीन रीजन है, जिसमें से आउटर मोस्ट कौन सा होगा? आउटर मोस्ट नैरो मस्कुलरिस म्यूकोजा ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स। क्लियर? और जो मिडल है, मिडल थिन लेयर ऑफ लेमिना प्रोपेरिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल नर्व्स एंड नोड्यूल ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, और जो सबसे अंदर की साइड है यानी कि ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ए बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग ए लेयर ऑफ कॉलमनार एपिथेलियल सेल विच आर ऑफन ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड। क्लियर? अब यहां से एलिमेंट्री कैनाल का कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर। एम्ब्रियोनिक में भी, एडल्ट में भी क्या कुछ चेंजेज आए, कितनी लेयर यहां पे है, कितनी जोन्स है, सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुका है ना? अब बात करते हैं किसकी? माउथ की। सो माउथ की एक सिंपल से डेफिनेशन अगर आपको देनी हो तो आप क्या लिखेंगे, चलिए जानते हैं। सो फ्रेंड, एज यू नो, माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच मे बी टर्मिनल, वेंट्रल और स्लाइटली डोसली डायरेक्टेड। और एक तरीके से आप और कह सकते हैं कि माउथ इज द ओपनिंग लीडिंग इनटू बकल कैविटी और यू कैन से ओरल कैविटी। अब अगर बात करें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट तरह के होंगे, है ना, किस तरीके से होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बता देता हूं। इट इज गार्डेड बाय सकर्स इन द साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स से आप क्या समझते हैं? साइक्लो मींस सर्कुलर, स्टोमा मींस माउथ, यू कैन से सर्कुलर माउथ, और एक तरीके से और लिखें कि सर्कुलर ओपनिंग, है ना। एंड बाय जॉ एंड टीथ इन द ग्नेथोस्टोम्स, एंड लिप आर हॉर्नी इन फिशेस बट फ्लैसी एंड सेक्टोरियल इन mammals. And friends, birds and turtle possesses horny beak in place of lips. Birds में तो आपने कहीं lips देखे ही नहीं होंगे, है ना, beaks होते हैं। Clear? अब देखिए, आपको समझ में आ गया, एक comparison आपको पता लग गया कि कौन से group में किस तरीके का है, है ना, किस तरीके से ये सारी चीजें एक दूसरे से modify होती हुई चली जाती हैं। Clear? अब ये जो आप diagram देख रहे हैं, ये डायग्राम किसका है? इट इज द, इट डिफाइन्स द रिलेशन ऑफ नेजल पैसेज टू बकल कैविटी इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब देखिए, एक टर्म यहां से निकल के आती है, क्या क्या निकल के आती है? ट्रू माउथ। अब ट्रू माउथ को हम क्या बोलेंगे? एंटेरो स्टोम, लिख लीजिए ENTERO ME, एंटेरोस्टोम को हम बोलेंगे ट्रू माउथ। समझ में आ गया कंसेप्ट? क्लियर है ना? सो फ्रेंड, माउथ इज बाउंडेड बाय लिप्स विच आर इमूवेबल एंड फॉर्म्ड ऑफ कोनिफाइड स्किन्स। किस किस में होता है ये? किस किस में होता है भाई, पता है किसी को? पहला तो हो गया फिश, दूसरा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ओके, यहां पे आप कह सकते हैं इमूवेबल है। ओके, क्लियर? क्लियर? चलिए, अब अगर मैमल्स की बात करें तो फ्लैसी एंड मस्कुलर है ना, सभी को पता है ना इतना तो। चलिए,
अब ओरल कैविटी या फिर कह सकते हैं बकल कैविटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। पहला कंसेप्ट निकल के आता है वेस्टिबल। ओके, सो देयर इज अ स्पेस बिटवीन लिप्स एंड जॉ, होता है, दैट इज वेस्टिबल। एंड इट मे बी बाउंडेड ऑन द आउटसाइड बाई चिक्स एंड ऑन द इनसाइड बाई द गम्स। क्लियर? सो म्यूकस ग्लैंड ऑफ चिक्स ओपनिंग इन टू द वेस्टिबल एंड माउथ ओपन्स इन टू द ओरल कैविटी विच इज ए स्पेस बिटवीन द माउथ एंड द फेरिंग्स। सो द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द स्टोमोडियल एक्टोडर्म एंड फेरिंजियल एंडोडर्म मर्ज इज वेरिएबल एंड नॉट इजी टू डिस्क्राइब। क्लियर? ये सभी में वेरी करेगा, शार्क हो चाहे एम्फीबिया हो, लोअर रेप्टाइल्स हो, हायर रेप्टाइल्स हो, चाहे मैमल्स। ओके, समझ में आया? अब देखिए, अब अगर ओरल कैविटी की ही बात करें, सो ओरल कैविटी को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल वे में। फ्रेंड्स, दिस इज द इंटीरियर मोस्ट चैम्बर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल मेंट फॉर हैंडलिंग द फूड। ओके, मेंट फॉर हैंडलिंग द फूड एंड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड एंड साइज ऑफ फूड इट्स साइज इज हाईली वेरिएबल एंड इट कंटेन्स थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन। कौन कौन से वो ऑर्गन है थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन? पहला तो हो जाएगा आपका ओरल ग्लैंड। क्लियर? दूसरा कौन सा होगा भाई? टंग हो जाएगा, TONGUE। उसके अलावा थर्ड वन टीथ। ओके, यही चीजें होती है ना? और आज के इस लेसन में हम कहां तक पढ़ेंगे? टीथ के डेवलपमेंट तक। ओके, ओरल कैविटी का कंसेप्ट क्लियर? कोई डाउट है यहां पे? नहीं है ना? अब जो ओरल कैविटी है या फिर कह सकते हैं बकल कैविटी, उसके डेरिवेटिव्स, ये तीन डेरिवेटिव होंगे, ओरल ग्लैंड, टंग और टीथ। इसके अलावा एक टर्म और होगी जो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, यहां पे वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे इस पार्ट के अंदर। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला, सबसे पहले हमारे पास आता है ओरल ग्लैंड। ओरल ग्लैंड हम डिस्कस करें उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओरल कैविटी से रिलेटेड, वो आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको पूरे के पूरे लेसन में हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड, इलास्मोब्रैंक्स की हम बात करें या फिर मोस्ट ऑफ द बोनिफिसेस की हम बात करें, जिनके अंदर जो नेजल कैविटी है वो ओपन नहीं होगी बकल कैविटी के अंदर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? उसके अलावा कॉन्ड्रोसाइट्स की बात करें या फिर टेट्रापोड्स की बात करें, और टेट्रापोड्स में मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हो जाएंगे, एम्फीबियंस हो जाएंगे, उनकी जो नेजल कैविटी है दैट ओपन्स इनटू द बकल कैविटी बाय द इंटरनल नेव विच आर प्रिमिटिवली प्लेस्ड एंटीरियरली। बट जो क्रोकोडाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, दे बिकेम पोस्टीरियर इन द फेरिंग्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पैलेट। Is it clear? Which effectively separate the respiratory nasal passages from the mouth cavity or the food passages. Clear? अब देखिए, आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी, आप शीशे के सामने खड़े हुए और थोड़ा सा मुंह है ना ज्यादा खोली है ना, तो बीच में आपको कुछ दिखाई दिया होगा, बीच में लटकता हुआ ना, हैंगिंग, जिसको आप क्या बोलते हैं? विल्वा, UVULA। क्लियर? सो फ्रेंड, ये ह्यूमन बींग के अंदर होता है ना, इसको आप क्या कह सकते हैं? सॉफ्ट पैलेट हैंग्स इन टू द लेरिंगल फेरिंग्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लेसी प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड विल्वा। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है ना? चलिए, अब अगर स्पेसिफिकली हम बर्ड्स की बात करें, इन बर्ड्स दिस पैलेट इज क्लेफ्ट ड्यू टू विच नेजल एंड बकल कैविटी कम्युनिकेट्स विद ईच अदर। क्लियर है? जबकि मैमल्स में क्या हुआ, ये सेपरेट करेगी किस किस को सेपरेट करेगी, बताया था ना, रेस्पिरेटरी नेजल पैसेज फ्रॉम द माउथ कैविटी और यू कैन से फूड पैसेज। ओके,
अब बात करते हैं ओरल ग्लैंड्स की। अब फ्रेंड्स ओरल ग्लैंड्स अगर हम डिस्कस करें तो इसको विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। सो देर आर टू काइंड ऑफ इंटेग्यूमेंट्री मल्टीसेलुलर ग्लैंड ओपनिंग इन टू द बकल कैविटी। दे आर म्यूकस ग्लैंड एंड एंजाइमेटिक ग्लैंड। अब देखिए स्नेक की अगर हम बात करें, स्नेक में भी पॉइजनस स्नेक, SNAKES, पॉइजनस स्नेक्स के अंदर क्या होता है, जो अपर लेबाइल ग्लैंड है दीज आर मॉडिफाइड। किसके लिए मॉडिफिकेशन होती है, किसकी होती है, अपर लेबाइल LABIAL, इसकी मॉडिफिकेशन क्यों होती है, कंसेप्ट थोड़ा सा रिलेट कीजिए। सांप क्या करता है भाई, स्नेक क्या करता है, जहर छोड़ता है। सो इसकी मॉडिफिकेशन किसके लिए होती है, टू सीक्रेट द वीना। ओके क्लियर है। अब अगर इसी तरीके से जो गीला मॉन्स्टर है उसकी बात करें, GILAMONSTER, गीला मॉन्स्टर आर द सबलिंगुअल ग्लैंड, गीला मॉन्स्टर द सबलिंगुअल ग्लैंड प्रोड्यूस पॉइजन। क्लियर, यहां पे क्या था, अपर लेबाइल और यहां पे सबलिंगुअल, जो कि क्या सीक्रेट करेगा, पॉइजन। क्लियर कंसेप्ट, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना इससे रिलेटेड। चलिए बड़ी अच्छी बात है फ्रेंड्स। फिशेज की बात करें या फिर एक्वेटिक एम्फीबियंस की बात करें, दैट हैव ओनली म्यूकस ग्लैंड एंड रेप्टाइल हैव ग्लैंड इन ग्रुप्स सच एज पैलेटिन, लिंगुअल, सबलिंगुअल एंड लेबाइल ग्लैंड। दीज आर नेम अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस म्यूकस। क्लियर है यहां तक, है ना। और जो विद एग्जाम्पल बताया उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके अब अगर बर्ड्स में बात करें, सो बर्ड्स हैव सबलिंगुअल ग्लैंड एंड ए ग्लैंड इन द एंगल ऑफ माउथ। क्लियर, एंड मैमल्स हैव मेनी स्मॉल म्यूकस ग्लैंड बिसाइड ट्रू एंड एनलार्ज स्लाइवरी ग्लैंड विच आर एंजाइमेटिक इन नेचर। ओके तो यहां पे बहुत सारी ग्लैंड है मैमल्स के पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी मतलब सारा कुछ जो मैमल्स है या फिर कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के पास ही भगवान ने सब कुछ दिया है। ओके सो ओरल ग्लैंड के बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है ओरल ग्लैंड से ही रिलेटेड, उसके बाद हम और कुछ भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आती हैं, उनको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। टर्म नहीं बोलेंगे, की पॉइंट आप कह सकते हैं, है ना। सो साइक्लोस्टोम से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। साइक्लोस्टोम पोजेसेस म्यूकस ग्लैंड इन द ओरल कैविटी। अब उसी का एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, बट पेट्रोमाइजोन हैज अ स्लाइवरी ग्लैंड, वो क्या सीक्रेट करेगा, दैट सीक्रेट एन एंटी कॉगुलेंट एंजाइम। क्लियर, SALIVARY, स्लाइवरी ग्लैंड किसके अंदर, पेट्रोमाइजोन के अंदर क्या सीक्रेट कर रहा है, क्या सीक्रेट कर रहा है, अभी अभी बताया, एंटी कॉगुलेंट एंजाइम। क्लियर, समझ में आ गया है ना। तो ये कंसेप्ट था पूरा का पूरा ओरल ग्लैंड का। ओके चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट डेरिवेटिव आता है ओरल कैविटी का, टंग। फ्रेंड्स टंग का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में वेरी करेगा, और जो इसकी फंक्शन है, इसके यूजेस हैं, वो भी अलग अलग होंगे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग स्पीसीज के अंदर। ओके जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हमारा जो है वो फिश है, यहाँ पे कुछ अलग फंक्शन होगा, लैम्प्रे में कुछ अलग होगा, है ना। ह्यूमंस कुछ अलग तरीके से यूज करेगा, ह्यूमंस मेनली किसके लिए यूज करता है, टेस्ट के लिए, है ना। स्नेक किसके लिए यूज करता है, काटने के लिए, है ना। जैसे ही वो टच करता है ह्यूमन बॉडी को, यानी कि कट करता है, तो इस तरीके से कुछ निशान छोड़ देता है। और सबसे ज्यादा बड़ी जो आप टंग कह सकते हैं वो है ग्रेट एंट ईटर की,
ठीक है, ये फ्लेमिंगो है, ये लिजर्ड है, ये कैमलियन है, ये फ्रॉग है, बहुत सारी स्पीशीज की आपने जीव देखी भी होगी, है ना, और देखा होगा कि किसी का कितना साइज होता है, किसी का कितना साइज होता है। अब जो टंग है उसको किस तरीके से हम डिफाइन करें, सो यू कैन से टंग इज ए फ्लैसी एंड हाईली मोबाइल ऑर्गन इन द ओरल कैविटी दैट इज यूज्ड इन द वेरियस वे इन वर्टिब्रेट ग्रुप्स। क्लियर। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो टंग है वो मोस्टली सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है ना। एंड टंग इन वर्टिब्रेट शो मच डाइवर्सिटी एंड आर नॉट होमोलोगस। क्लियर। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं जरा जल्दी से बताओ कमेंट्स के द्वारा। फ्रेंड्स, अब अगर साइक्लोस्टोम के अंदर बात करें, सो इन साइक्लोस्टोम देर इज ए मस्कुलर फ्लैसी, है ना, मस्कुलर कह सकते हैं या फिर थिक कह सकते हैं, थिक एंड फ्लैसी, है ना। सो मस्कुलर फ्लैसी एंड रेस्पिंग टंग विद हॉर्नी टीथ फॉर रेस्पिंग द स्किन एंड मसल ऑफ देयर प्रे। इन सिंपल आप ये लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि साइक्लोस्टॉम पजेसेस थिक एंड फ्लैसी प्राइमरी टंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ऑरल कैविटी। ये भी आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। ओके। अब अगर फिशेज की बात करें, सो द फिश टंग इज प्राइमरी एंड मियरली ए फ्लैसी फोल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ फेरिंग्स सपोर्टेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ हायर्ड आर्क। अब ये बताइए कि जो हायर्ड आर्क है वो क्या होती है। पिछले दो लेसन के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि हायर्ड आर्क होता क्या है ना, डिस्कस किया था, है ना। चलिए बता दीजिए फटाफट कमेंट्स के द्वारा इसके बारे में। सो फ्रेंड, फिश के बारे में सारा कुछ क्लियर। अब आप यहां पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। इट हैज नो मसल बट रिसेप्टर एंड टीथ आर प्रेजेंट ऑन द टंग इन सम बोनी फिशेस। क्लियर। विद एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं सारी चीजें कि इसके अंदर ये है तो ये भी होगा। क्लियर। एंड द टंग इज कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके। अब अगर बात करें कुछ एम्फीबियंस की, सो इन सम ऑफ द एम्फीबियन द टंग इज ईदर लैकिंग और इमूवेबल, है ना। यहां पे ये आपको दिखाई दे रही है, फ्रॉग के अंदर दिख रही है कैसी है ना, या तो मतलब होगी नहीं या इमूवेबल होगी या फिर छोटा साइज होगा। क्लियर। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट एम्फीबियन हाउएवर हैव ए प्रोट्यूसिबल टंग एंड इन सम फ्रॉग एंड टॉड इट मे बी फोल्डेड बैक ऑन इट सेल्फ वेन नॉट इन यूज। आपने फ्रॉग की जो जीभ है वो देखी होगी, है ना, मतलब मैंने तो ये चीज एक्सपीरियंस की है इसीलिए मैं ये चीजें आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। ओके। एंड फ्रेंड्स, कुछ यूरोडेल्स की अगर बात करें, जैसे कि यूरोडेल्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेक्ट्रस, है ना। सो नेक्ट्रस का डायग्राम अपने पास ये रहा। ओके। इन यूरोडेल्स सच एज नेक्ट्रस टंग इज सिमिलर टू फिशेज एंड नॉट पुट टू मच यूज। ओके। यहाँ पे ये कंसेप्ट आप मेंशन कर सकते हैं। ओके। और जो फ्रॉग और टोड है उसकी मैं बात कर रहा था, दैट हैविंग इंसेक्टिवरस डाइट, है ना, आर गिफ्टेड विद द हाईली फ्लेक्सिबल टंग दैट कंसिस्ट ऑफ ए बेसल प्राइमरी टंग एंड द एंटीरियर ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर सेकेंडरी टंग। ओके। क्लियर है, क्लियर है कंसेप्ट, है ना, कोई डाउट तो नहीं है इससे रिलेटेड, अगर है तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स के द्वारा। अब देखिए, जो टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, दैट बीइंग एम्फीबियस इन नेचर एंड हैविंग ए स्मॉल नॉन प्रोटेसिबल टंग, बट जो स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, दैट पोजेसिस ए हाईली मूवेबल टंग दैट इज बिफरिकेटेड एट द एपेक्स एंड सप्लाइड विद द ऑल्फेक्टरी सेल्स। ये कंसेप्ट मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, है ना, ये तीन बिंदी वाले, मतलब जो थोड़ा सा निशान होता है ना। अब अगर बर्ड की टंग की बात करें, दैट इज शॉर्ट एंड हार्ड एंड प्रैक्टिकली लैक मसल्स एंड लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग सच
such incapable tongue is of no handicap to these big creature, as the food does not stay in the mouth for longer duration. Clear? जैसे ह्यूमन बींग के अंदर क्या होता है कि भाई जो खाना हमने एक बार मुंह के अंदर डाला निवाला है ना, रोटी हमने डाल ली मुंह के अंदर, तो हम काफी समय तक उसको चबाते रहते हैं, यानी कि काफी समय तक हमारे माउथ के अंदर वो प्रेजेंट रहता है. सो ये कंसेप्ट मैंने आपको लेसन के शुरुआत में ही बता दिया था जब वो चार जोन बताई थी, दैट इज हैंडलिंग एंड दैट्स ऑल. ओके, ये सारी चीजें थी. एंड फ्रेंड्स, हाउ Some birds are gifted with long and flexible tongue, such as woodpecker, है ना? आपने देखा होगा woodpecker को, ये रहा, ठीक है? देखा होगा ना ये? इसको आप कह सकते हैं in local language खाती चिड़ा कुछ ऐसा बोलते हैं इसको ना, जो मतलब लकड़ियों में हॉल कर देता है, मतलब जो living plant है उनके अंदर हॉल कर देता है. Okay? अब अगर फ्रेंड्स मेमलियन टंग की बात करें, सो मेमलियन टंग इज द बेस्ट डेवलप ऑफ ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट इन द एक्वेटिक सिटेशियन. एक्वेटिक सिटेशियन क्या था भाई, बताओ जल्दी से कमेंट्स के द्वारा. हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है ना. सो इट इज डेराइव्ड फ्रॉम फाइव पोर्शन, पेयर्ड फ्लेसी रिज ऑफ हायोडॉक, ए मीडियन सेकेंडरी टंग दैट्स कॉल्ड tuberculum impair, paired lateral lingual swelling, which provided extraordinary mobility and flexibility in the oral cavity, and tongue of anteater is suitably long and sticky to feed on termite, which they dig out by their strong fossorial front legs. अब देखिए ये जो यहाँ पे बात हो रही है लॉन्ग एंड स्टिकी टंग की, इस कंसेप्ट को आप किस तरीके से रिलेट करेंगे, शायद एक मूवी थी क्रिस 3 है ना, जिसके अंदर वो वायरस फैलाते हैं है ना, और उसमें क्या होता है एक स्ट्राइकर बनाता है वो जो बुरे लोग होते हैं, और क्या करते हैं जैसे आइसक्रीम उसको दिखाई देती है तो वो छपाक से मतलब दूर से ही खींच के ले जाता है ना, और दूर से ही जो एसी होता है उसके अंदर वायरसेस डाल देता है. ये सारी चीजें उस मूवी के अंदर दिखाई हुई है. तो उसी तरीके की कुछ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग जो है वो किसके पास होती है, ग्रेट एंट ईटर के पास, और इसका मेन वर्क यही है कि टर्माइट्स को ये फीड करता है, यानी कि टर्माइट्स के ऊपर इसकी फीडिंग होती है. क्लियर? सो ये कंसेप्ट आई थिंक सभी के क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे. अगर कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. ओके, मैमल्स के बारे में आपको एक कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना है. इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एक्सेप्ट व्हेल, द टंग इज हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल मूवमेंट इन एडिशन टू एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंट्रिंसिक मसल. क्लियर? ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है. ओके, अब फ्रेंड्स एक छोटी सी टर्म यहां पे निकल के आती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फ्रीनुलम क्या होता है, लिख लीजिए इसको, इसको फिर डिस्कस करते हैं. एफ आर ई एन यू एल यू एम, फ्रीनुलम क्या है, ये मैमल्स से ही रिलेट करेगा. इन मैमल द म्यूकस मेम्ब्रेन बिलो द टंग फॉर्म्स ए मीडियन फोल्ड दैट्स कॉल्ड फ्रीनुलम. अब जो ये फ्रीनुलम है दैट ज्वाइंस द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ. क्लियर है? And friends, in mammals, the upper surface of the tongue bear four kind of papilla. अब ये papilla के type कौन-कौन से होंगे mammals के अंदर? इनको मैं ही discuss कर देता हूँ ना. थोड़ा सा नया concept है ये. PAPILLAE. कौन-कौन से होंगे भाई papilla? पहला तो हो जाएगा filiform. Okay?
दूसरा हो जाएगा आप कह सकते हैं फंगीफॉर्म, FUNGIFORM। इसके अलावा थर्ड वन हो जाएगा फोलिएट, ओके लिख लीजिए FOLIATE। और चौथा अपने पास हो जाएगा सर्कमवेलेट, ठीक है ये थोड़ा सा बड़ा नाम है, CIRCUMVALLATE। क्लियर, ये चार पेपिला होंगे दैट बियर्स द टेस्टिंग बर्ड एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पेपिला। ओके सभी के अंदर टेस्टिंग बर्ड्स होंगी, सिर्फ इसको छोड़ दीजिए, इसको फिलीफॉर्म को। ओके ये कंसेप्ट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपने पास, है ना। सो चलिए देखते हैं, अब आता है अपने पास टीथ, और ये भी एक डेरिवेटिव है ओरल कैविटी का कह सकते हैं या फिर बकल कैविटी कह सकते हैं। सो फ्रेंड टीथ को डिफाइन कैसे करेंगे, टीथ आर हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर अटैच्ड टू जॉ बोन दैट एड इन फूड गेटिंग। और अगर दूसरे तरीके से आप देखें तो आप क्या कह सकते हैं, टीथ आर हार्ड बोनी स्ट्रक्चर इन द ओरल कैविटी दैट आर वेरियसली मॉडिफाइड टू कैप्चर टीयर कट और ग्राइंड फूड मटेरियल बिफोर इट इज स्वेलोड। क्लियर, अब जो टीथ हैं वो दो टाइप के हैं, किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। क्लियर कौन कौन से वो टाइप हैं, क्या नाम है उनके, पहला तो होगा एपिडर्मल टीथ, दूसरा ट्रू टीथ। सो फ्रेंड एपिडर्मल टीथ आर बेस्ट डेवलप्ड इन साइक्लोस्टोम्स एंड दे आर हार्ड कॉनिकल हॉर्नी स्ट्रक्चर डेराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड इन लैम्प्रे दे आर फाउंड ऑन द वॉल ऑफ द बकल फनल एंड ऑन द टंग। एंड फ्रेंड्स एज यू नो टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग एंड टॉड्स हैव सीरेटेड एपिडर्मल टीथ इन रो ऑन द लिप्स। अगर मैमल्स की बात करें सो इन मैमल्स द अडल्ट डकबिल प्लेटेप्स हैज एपिडर्मल टीथ। अब ये जो प्लेटेप्स है, आपने एक अलग सा स्ट्रक्चर देखा होगा कि उसके दो दांत बाहर निकले हुए हैं, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। अब देखिए, अब जो टीथ है वो काफी तरीके से डिफाइन करेंगे हम, जो टाइप होंगे वो बहुत सारे बेसिस पे हम डिफाइन करने वाले हैं। क्लियर, और जो ट्रू टीथ है वो मोस्टली किसके अंदर होता है, किसके अंदर नहीं होता है। ट्रू टीथ अकर्स इन ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट एगेंस स्ट्रियोगम सम टॉड्स सीरेंस टर्टल्स और कुछ जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनके अंदर। और इसके अंदर आप अगर एक नाम और जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं, इट इज नॉट फाउंड इन बेलन वेल्स एंड एंट ईटर्स इन मैमल्स। क्लियर, सो ये नेम आप और ऐड कर सकते हैं इसमें। अब देखिए जो पॉलीफायडोंट है उससे आप क्या समझते हैं, मतलब ये जो पॉलीफायडोंट है, डायफायडोंट है और मोनोफायडोंट है, इनको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। फ्रेंड्स पॉलीफायडोंट डेंटेशन इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ फ्रॉम टाइम टू टाइम सेवरल टाइम इन लाइफ टाइम सो दैट जो आर नेवर लेफ्ट विदाउट टीथ। अब ये जो है इसको आप समझाने के लिए क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई एग्जाम्पल इससे रिलेट कर सकते हैं कि जिससे मतलब थोड़ा सा आसानी से इसको समझा जा सके। जैसे कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, और लोअर वर्टिब्रेट्स में जैसे फिश हो गया, है ना, एम्फीबियंस हो गए और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हो गए, तो वो एग्जांपल हो जाएंगे पॉलीफायडोंट। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डायफायडोंट। पॉली मीन्स मल्टीपल टाइम, डाय मीन्स टू टाइम और मोनो मीन्स वन टाइम। सो डायफायडोंट मेनली हो गया मैमल्स के अंदर। सो इट इज द डेंटेशन एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल इन विच मिल्क टीथ अपीयर इन द यंग वन बट
एज दे ग्रो एंड जॉ बिकम लार्जर मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाई द लार्ज परमानेंट वन। जैसे बहुत सारे लोग कुछ मुहावरे बोल देते हैं कि अभी तो दांत के सॉरी दूध के दांत भी टूटे नहीं है, है ना। तो मतलब दूध के दांत नहीं टूटना, इसका मतलब यू आर द यंग वन, अभी आप बच्चे हैं, क्लियर। सो मतलब ये एक मुहावरे टाइप में कुछ कहना, क्लियर। सो डायफायडोंट समझ में आ गया, मेनली किसके अंदर होता है, ये मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, मैमल का, क्लियर। अब अगर मोनोफायडोंट की बात करें, सो मोनोफायडोंट टीथ अपीयर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम एंड इफ दे फॉल दे कैन नेवर अगेन रिप्लेस बाय द न्यू वन। मतलब एक बार दांत टूट गए तो टूट गए, ओके। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे टीथ के टाइप, जैसे कि एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, थीकोडोंट, है ना, ये किस बेसिस पे होते हैं, बताए किसी को, अगर पता है तो जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट्स के द्वारा। ये इनकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे, ओके। तो आपको वो नोट डाउन कर लेनी है फ्रेंड्स। हमने जो डेंटेशन का पार्ट है वो मैमल्स वाले लेसन में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पे थोड़ा डिस्कस किया था, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और जब ये डेवलपमेंट ऑफ टीथ हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो डेंटेशन की कंपेरेटिव एनाटॉमी है, यानी कि जो कंपेरिजन है, वो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे, कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ डेंटेशन। उसके अंदर मैमल्स भी होगा, रेपिटाइल्स भी होंगे, एविस भी होंगे, सब कुछ, मतलब किस ग्रुप के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं हम कौन से टाइप थे, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट, है ना, किस बेसिस पे है। सो फ्रेंड इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने का बेस क्या है, अटैचमेंट ऑफ टीथ ऑन द जॉ बोन। सो इसी बेसिस पे इन तीनों के नाम अलग अलग है। पहला है एक्रोडोंट, और एक्रोडोंट किस में मिलेगा, फिश और एम्फीबियंस, ओके। अब ये तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन एक्रोडोंट को आप डिफाइन कैसे करेंगे फ्रेंड्स। एक्रोडोंट टीथ आर अटैच्ड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द जॉ बोन, क्लियर। किस पे अटैच होगा, टॉप सरफेस ऑफ द जॉ बोन। अब बात आती है प्लूरोडोंट की। अब इस वर्ड पे मत जाइए कि प्लूरो है तो मल्टीपल होगा, है ना, ऐसा कुछ यहां पे नहीं निकल के आने वाला है। सो प्लूरोडोंट किस किस के अंदर होगा, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं लिजर्ड्स का और यूरोडेल्स का, URODELES, क्लियर, यूरोडेल्स का। अब इसको किस तरीके से डिफाइन करें, प्लूरोडोंट टीथ आर अटैच्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द जॉ बोन दैट ब्रिंग लार्ज सरफेस एरिया ऑफ टूथ इन कॉन्टेक्ट विद जॉ बोन एंड हेंस अटैचमेंट इज, कैसी होगी अटैचमेंट, स्ट्रोंगर, STRONGER, स्ट्रोंगर अटैचमेंट होगी। और एग्जाम्पल हमने बता दिया लीजर्ड और यूरोडेल्स। लास्ट आता है थीकोडोंट, और थीकोडोंट मेनली किसके अंदर मिलेगा, मैमल्स के अंदर, MAMMALS, यानी कि जो सबसे बेस्ट चीजें होंगी, कोई भी आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए, कहीं से भी कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, बेस्ट निकल के कहां पे आएगा, मैमल्स के पास, मोस्ट डेवलप्ड मैमल्स के पास होगा, है ना। सो थीकोडोंट डेंटेशन इज फाउंड इन मैमल इन विच रूट ऑफ द टूथ इज फर्मली फिक्स्ड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। आपने अपने दांत देखे होंगे बचपन के अंदर, जब टूट जाते थे तो जस्ट एक बोन सॉकेट जैसा कुछ फील होता था ना, और नीचे क्या होता था, थोड़े थोड़े इस तरीके से होते थे, जैसे इस तरीके से आप बना सकते हैं, और ये साइड में ऐसे, ये साइड में ऐसे, है ना, और ये जाके फिट हो जाता था यहाँ पे, ओके। इस तरीके से सॉकेट है, ओके, फिक्स्ड सॉकेट है अलग अलग टीथ के। अब सेकेंड वाला क्या था, स्ट्रोंगर, और ये कैसा होगा, स्ट्रोंगेस्ट, ठीक है, STRONGEST, यहां पे अटैचमेंट स्ट्रोंगेस्ट होगी। अब ये जो टर्म है
होमोडोंट और हिट्रोडोंट, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? होमो और हिट्रो, सिमिलर और डिफरेंट। ये आपने होमोलोगस भी पढ़ा होगा, हिट्रोलोगस भी पढ़ा होगा, है ना, होमोजाइगस, हिट्रोजाइगस, केमिस्ट्री के अंदर भी इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, है ना। सो फ्रेंड, होमोडोंट डेंटेशन इज फाउंड इन द मेजोरिटी ऑफ वर्टिब्रेट सच एज फिशेस, उसके अलावा एम्फीबिया के अंदर और रेप्टाइल्स में, क्लियर। उसके अलावा देखिए, अब इसको किस तरीके से डिफाइन करें, इट इज फाउंड इन फिश, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल, इन विच ऑल टीथ आर फंक्शनली ऑफ द सेम टाइप एंड ऑल्दो देयर साइज मे बी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, दैट्स कॉल्ड होमोडोंट, क्लियर। साइज क्या करेगा, वेरी करेगा, दैट्स डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द टीथ, और फंक्शनली सेम होंगे सारे के सारे। अब अगर इसी तरीके से हिट्रोडोंट की हम बात करें, सो हिट्रोडोंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डेंटेशन अकर्स इन मैमल, क्लियर, MAMMALS, क्लियर, एक्सक्लूसिवली इन मैमल्स, विच दे आर फोर फंक्शनली डिफरेंट टाइप, जिसे आप क्या कहेंगे, फ्लैट इंसीजर, किस काम आता है, कटिंग के लिए, है ना, और लॉन्ग एंड पॉइंटेड कैसा होता है, केनाइन फॉर टीयरिंग एंड फ्लैश, है ना, उसके अलावा प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिए, पहला कौन सा है, इंसीजर, ठीक है, दूसरा कौन सा है, केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, पीएम से डिनोट करते हैं, और चौथा मोलर, और चारों के अलग अलग फंक्शन हैं। पहला जो इंसीजर है, इट इज यूज फॉर कटिंग, है ना, और जो केनाइन है वो लॉन्ग एंड पॉइंटेड होगा फॉर टीयरिंग फ्लैश, और जो प्रीमोलर है वो लार्ज एंड ब्रॉड होगा, और जो मोलर है वो फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस होगा, जिसे आप बोलते हैं ना अक्कल जाड़, दैट इज मोलर, ओके। अब उसके बाद कुछ और टाइप्स आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, ठीक है। मेंस में आपको खुद डिफाइन करना रहता है, और प्रीलिम्स के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार आ जाता है। सो इसमें से पहला इंपॉर्टेंट टाइप है सीकोडोंट। फ्रेंड्स, सीकोडोंट टीथ हैव शार्प कटिंग एज दैट फंक्शन लाइक सीजर टू कट फ्लैश। दूसरा बोनोडोंट, दीज आर द टीथ स्मॉल विद स्मॉलर कस्प और ट्यूबरकल्स ऑन द सर्फेस फॉर हैंडलिंग सॉफ्ट डाइट एज इन मैन, मंकी एंड रोडेंट्स, क्लियर। थर्ड है ब्रेकिडोंट, दीज आर द टीथ, दीज टीथ आर स्मॉलर एंड लो क्राउंड सुटेबल फॉर फीडिंग ऑफ सॉफ्ट डाइट, क्लियर। उसके बाद हिप्सोडोंट है, स्लेनोडोंट है और लोफोडोंट है। सो लोफोडोंट क्या होता है, टीथ आर फाउंड इन एलिफेंट विच फीड ऑन द रफेस्ट डाइट दैट एनी मैमल कैन फीड ऑन, क्लियर। स्लेनोडोंट किसके अंदर होता है, हॉर्सेज के अंदर और अदर जो अनगुलेट्स है उनके अंदर, दैट डिपोजिट सिलिका अराउंड कस्प एंड इन द डिप्रेशन ऑफ ग्राइंडिंग सर्फेस। हिप्सोडोंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अनगुलेट्स के अंदर। दीज टीथ पजेसिस लार्ज क्राउन, कैन रेजिस्ट वियर एंड टीयर फीडिंग ऑन टफ एंड फाइबरस डाइट एज इन द अनगुलेट्स, क्लियर। सो हिप्सोडोंट और सिलेनोडोंट को आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा करके रिलेशन है इनका, जैसे कि सीकोडोंट, बोनोडोंट और ब्रेकिडोंट का है, ओके। अब हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ टूथ, और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी, वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, एज यू नो,
टीथ डेवलप ओवर द जॉ बोन वेयर सर्टेन मालपीजियन सेल स्टार्ट एक्टिवली मल्टीप्लाइंग फॉर्मिंग ए मास ऑफ सेल दैट्स कॉल्ड डेंटल लेमिना और यू कैन से इनेमल ऑर्गन। अब देखिए एक टर्म आती है ओडोंटो सेल्स। ओडोंटो सेल से रिलेटेड एक कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स द डेंटल पेपिला मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ डर्मल सेल अपीयर बिलो द डेंटल लेमिना दैट सप्लाइज नरिशमेंट टू द ग्रोइंग मास ऑफ सेल्स। एंड फ्रेंड्स एज यू नो सेल्स ऑफ द आउटर लेयर ऑफ डर्मल पेपिला सेल्स ऑफ द आउटर लेयर ऑफ डर्मल पेपिला arrange themselves in a row and get differentiated into odontoblast cell odonto blast cells। clear, समझ में आ गया ये concept है ना। next आता है जैसे कि आपने epidermal teeth पढ़ा था है ना, so उसी से related एक term लिख लीजिए उसको फिर थोड़ा सा define करेंगे। amyloblast AMYLOBLASTS amyloblast। friends the tooth gradually grow outward and eventually get exposed by penetrating through the skin covering the jawbone and the dental papilla inside the pulp cavity remains active along with its blood supply and nerve intact। clear, अब देखिए ये जो एमिलोब्लास्ट है इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। एपिडर्मल सेल्स सुना है सभी ने है ना, सो एपिडर्मल सेल्स ऑफ द डर्मल लैमिला दैट कवर्स द ग्रोइंग डेंटाइन आर कॉल्ड एमिलोब्लास्ट। क्लियर, डर्मल जो डेंटल लैमिला है यहां पे डेंटल लैमिला क्या था उसकी डेफिनेशन ये थी। क्लियर, समझ में आया, डेंटल लैमिला दैट कवर्स द ग्रोइंग डेंटी आर कॉल्ड एमिलोब्लास्ट। ओके, अब देखिए ये जो पूरा का पूरा हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ टूथ, सो यहां से एक की पॉइंट निकल के आता है, दिस डेवलपमेंट ऑफ टूथ इज आइडेंटिकल टू द डेवलपमेंट ऑफ डर्मल स्केल्स DERMALSCALES डर्मल स्केल्स। किसके डर्मल स्केल्स? डर्मल स्केल्स किसके अंदर होते हैं? फिश के अंदर। क्लियर, सो अब आप क्या कह सकते हैं, शार्क के जो टीथ हैं, शार्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। कह सकते हैं ये क्या हो गए, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। समझ में आ गया है ना, कह सकते हैं इसको, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर। क्लियर, एमिलोब्लास्ट एमिलोब्लास्ट समझ में आ गया क्या होता है, डेंटल लैमिला की डेफिनेशन पता लग गई है ना, और डेंटल पेपिला ओडोंटोब्लास्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे मतलब ये सारी चीजें डिफ्रेंशिएट हो पाएंगी, पूरा का पूरा टूथ डेवलपमेंट में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा पार्ट नंबर सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम का ही, उसमें हम स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डेंटेशन से, उसके बाद उसमें कुछ डेंटल फॉर्मूला होंगे है ना, और मैमल्स के अंदर डेंटिशन जो है उसमें भी हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फेरिंग्स भी डिस्कस करेंगे, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम का बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे पार्ट नंबर सेकेंड में। सो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।